अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को साइमा बाजी के खाने में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ज़बरदस्त सा एक जर्दा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं जर्दा। ये मेरे पास सेला चावल है आधा किलो, इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये भीगे हुए चावल है, वहाँ मैंने पानी चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए। और इसमें जो चीनी जाएगी वो जाएगी 2.25 कप, क्योंकि आधा किलो चावल है तो हम आधा किलो से इसमें थोड़ी सी कम चीनी डालेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए जर्दा बनाने के लिए मैंने पानी बॉयल करने रख दिया था, और जो भीगे हुए चावल थे ना 2 कप, ये हम इसमें डाल देंगे। ये सेला चावल है। बिस्मिल्लाह, और फिर इसको पकाएंगे, पूरा तैयार कर लेंगे, इसमें कोई कनी वनी नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, अब इसमें उबाल आ गया है, कलर कितना खूबसूरत आया ना माशाल्लाह। अब देखते हैं तो चावल गला के लिए गला, ये देखें चावल हमारा गल चुका है। ये हमारे चावल तैयार है, हमने इसमें कोई कनी वनी नहीं छोड़नी होती, ये पूरा तैयार चाहिए होता सेला चावल। ठीक है, चलो देखिए चावल मैंने छान ली है, ये बन गए तैयार हैं। अब हम इसकी तह लगाते हैं जर्दे की। देखिए आप मैंने क्या करा है, जर्दा बनाने के लिए 3 से 4 चमचे मैंने घी के लिए, घी में बहुत ज़बरदस्त बनता है। ठीक है, ऐसा आप ऑयल भी ले सकते हैं, मगर घी की अलग बात होती है। 4 इलायची डाली, और ये हम डालेंगे 3 किशमिश, इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। फिर हम इसका एक तह लगाएंगे, जर्दे की जैसे तह लगाते हैं ना वैसे लगाएंगे। ये किशमिश हमारी फूल जाएगी ना, तो हम क्या करेंगे, चूल्हे को हम बंद कर देंगे, फिर हम इसकी तह लगाएंगे। देखिए अब मैंने क्या करा, इसमें चावल बिछा दिए थोड़े से, फिर हमने क्या करेंगे, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। जैसे हम बिरयानी की तह लगाते हैं ना, ऐसे हम जर्दे की भी तह लगाते हैं। चीनी डालने के बाद फिर हम इसमें नारियल डालेंगे, और ये टूटी फूटी जो अशरफियाँ होती हैं ना ये डालेंगे। फिर हम अगेन इसमें चावल डालेंगे, मैंने चावल बिछा के फिर अगेन चीनी डाली, फिर हम ये अपने, और इसमें फिर हम खोया डालेंगे, और फिर ऊपर भी चीनी डालेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें मैंने खोया डाला, थोड़ा सा खोया डालेंगे। ठीक है, और फिर इसमें हम अगेन चावल जो बच गए हमारे वो सारे हम डाल देंगे। इसमें हम बाकी की चीनी डाल देंगे, सारे जितनी हमारे चावल होते हैं ना उससे थोड़ी सी कम, जैसे 1 कप है आपके पास चावल फर्स्ट करें, तो हम इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम डालेंगे। और ये जो भंगार था ना ये भी डाल देंगे, इसको हम रख देंगे तेज आंच पे। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है तेज आंच पे, फिर हम 5 मिनट बाद देखेंगे इसको। चलो देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है, तो अब हम चूल्हे की आंच हल्की कर देंगे, यानी कि हम मीडियम कर देंगे। अभी तो हाई पे था ना, अब हम इसको मीडियम कर देंगे। ये देखिए अब इसका पानी हम देखते हैं कि ड्राई हुआ कि नहीं हुआ। देखिए अभी कितना पानी है ना इसके अंदर, जब इसका पानी ख़त्म हो जाएगा ना जैसे, तो फिर हम इसको मिक्स करके दम पे लगा देंगे। चलो अब देखें पानी हमारा, जर्दे का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसको हल्के हाथों से मिलाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा जर्दा बनके तैयार हो गया।
लग रहा है ना ज़बरदस्त सा रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।